प्रदेश के जनपद मैनपुरी में जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने शिक्षा के स्तर को जानने के लिए ऑपरेशन उड़ान प्रतियोगिता के तहत एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसकी अंतिम परीक्षा मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में बने सभागार मीटिंग हॉल में संपन्न कराई गई। इस परीक्षा में प्राइमरी पाठशाला के अलावा कॉन्वेंट विद्यालय के 62 कक्षा 1 के 9 निहाल छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अनोखी पहल जिलाधिकारी के सूझबूझ के चलते कक्षा के एक छात्र को अपने ही विद्यालय से प्रथम परीक्षा देकर ब्लॉक स्तरीय परीक्षा देने के बाद जिला स्तरीय परीक्षा में भाग लिया, जिसमें टॉपर आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान के साथ उन्हें पुरस्कार घोषित किया जाएगा और उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा में ज्यादातर परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग लिया गया था। इस परीक्षा के अंतर्गत नौनिहाल छात्र छात्राएं हिंदी अंग्रेजी की छोटी बड़ी वर्णमाला सामान्य जोड़कर सामान्य घटना भाग जैसे प्रश्न उत्तर पुस्तिका में पूछे गए थे। डीएम मैनपुरी की इस अनोखी पहल तो अभिभावक को एवं शिक्षिकाओं ने सराहनीय कार्य बताया। किस स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? आज कलेक्ट्रेट परिसर में आए हो, यहाँ क्यों आए हो? काहे की परीक्षा थी? इससे पहले कहाँ परीक्षा दी थी? अच्छा, बेबर में क्या प्रश्न पत्र में क्या आया था? बेटा इधर देख लो, क्या नाम है बेटा? देव, कहाँ से आए हो तुम? अच्छा, इससे पहले पेपर कहाँ दिया था आपने? मंचना में। वहाँ से पास होकर फिर यहाँ पर आखिरी परीक्षा दिया आपने? किस तरह का पेपर आया बेटा? पेपर किस तरह का आया? कैसे कैसे क्वेश्चन आए? हाँ, अच्छा। क्या क्या क्वेश्चन आए थे? अच्छा, एक ही कौन से क्लास के हो बेटा तुम? किस कक्षा में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, ये बताओ यहाँ किस लिए आए हो? पेपर देने। इससे पहले परीक्षा कहाँ दी थी? किस लिए? ब्लॉक में। फिर उसके बाद यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हो चयन होने के बाद। किसकी परीक्षा थी? क्या क्या आया था उसमें? यहाँ किस लिए आए हो? परीक्षा देने आए थे। क्या क्या आया था परीक्षा में? जोड़ घटाना, छोटी विसरी बड़ी विसरी मिलान, जो पहाड़ी। आपका? अच्छा, किस विद्यालय की आप शिक्षिका हैं? हम प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम कचपुरा जागीर से। आज यहाँ जिला अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ एक परीक्षा हुई है, किस क्लास के बच्चों की परीक्षा हुई है? ये क्लास फर्स्ट के बच्चों की परीक्षा है। अच्छा, ये जो ना किस योजना के अंतर्गत है और क्या इसका महत्व है? ये माननीय सर के अपने आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट का हो कि इसमें उड़ान ऑपरेशन उड़ान के तहत उन्होंने परीक्षा रखी जो पहले विद्यालय स्तर पर कराई गई, उसमें से जो बच्चा फर्स्ट आया है उन बच्चों को ब्लॉक स्तर पर एक परीक्षा कंडक्ट कराई गई। इसके बाद में वहां से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के बच्चे थे उनको जिला स्तर पर लाके आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में एक परीक्षा का आयोजन कराया गया। अच्छा, इस परीक्षा से क्या लाभ होगा छात्रों को? इस परीक्षा से बच्चों में कम्पिटिशन की भावना जागेगी, सबसे बड़ा फायदा। आज ये परीक्षा जो कराई है जिलाधिकारी द्वारा जो कराई गई है, इसमें जो बच्चों में कैसी प्रतिभा जागेगी? बच्चों के अंदर सबसे पहली बात तो जो झिझक होती है, हमारे गांव के बच्चे हैं उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारे बच्चों के अंदर ये कॉम्पिटिशन की भावना, जो बच्चे हमारे यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको गवर्नमेंट के विद्यालय में भी कॉम्पिटिशन कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कि हमारे ऊपर एक लेवल है कि आई एम नथिंग, बेसिक में पढ़ाई नहीं होती है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय का जो ऑपरेशन उड़ान कार्यक्रम है उसके तहत हमारा भी ये मौका मिला है कि हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है और उससे हमारे अंदर भी प्रेरणा आई है। अच्छा, जो जितने भी छात्रों ने यहाँ परीक्षा दी है सब क्या प्रसिद्धि विद्यालय से आए हुए? जी, टोटल बच्चे हमारे प्रसिद्धि विद्यालय से हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं और हमारे जो भी ब्लॉक है उन सभी ब्लॉकों से तीन तीन बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड चयनित होकर आए हैं और उन बच्चों की ये परीक्षा हुई है और इसके बाद जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको कॉन्वेंट के बच्चों से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा।
बात करें तो ऑपरेशन उड़ान की आपने शुभारंभ किया है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाना है, विद्यालयों में जो शिक्षा गुणवत्ता स्तर है उसको सुधारना है और जो प्रतिभाएं हैं उनको और प्रोत्साहित करना है। सर ऐसे कितने बच्चे इसमें हैं? इसमें सभी जितने हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं चाहे सरकारी हों मुख्यतः, या उसमें प्राइवेट को भी छूट दी गई है। कक्षा एक के अभी हमने प्रारंभ में कक्षा एक के बच्चों में इसको प्रारंभ किया, जिसमें ABCD 10 तक के पहाड़े जोड़ना साधारण घटाना जोड़ ऐसा जिसमें आप उसमें थोड़ा कठिन है वो जोड़ भी सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें बेसिक होती हैं कक्षा एक के लिए जो आम स्कूलों पर पाई जाती है वो हमारे प्राइमरी स्कूल बच्चों को भी आएँ, ये प्रयास है। सर कहीं ना कहीं जो अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको कॉन्वेंट के बराबर जो पिछड़े हुए थे ये उद्देश्य समझते हैं तो ठीक रहेगा? बराबर तो मैं बराबर और कम ज़्यादा की मैं तुलना नहीं करूँगा, हाँ उनका शिक्षा का स्तर जो कक्षा एक के बच्चे को होना चाहिए वो हंसमुख माहौल में आए, जो अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं उनको प्रोत्साहित मिलेगी, तो मेरे टीचर्स को भी सम्मानित करेंगे और गार्जियंस को भी। ये पूरा उद्देश्य है कि पूरी एक सामूहिक व्यवस्था में थोड़ा सा प्रोत्साहन की भांति आगे बढ़ाना। सर ये सब चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.